दोस्तों आप सभी को पता है इंडिया में काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में फायर लग रहे हैं, और ओकिनावा की यहाँ पर जो आज एक न्यूज निकल के आ चुकी है, ओकिनावा के इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी आग लग रही है। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरी तरह से कम्प्लीटली यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर। और गाइज ये वीडियो यहाँ पर जो तमिलनाडु का वीडियो है, जो कि एक पर्सन जो है अपने ऑफिस जा रहा था, और गाइज बीच रस्ते में धुआं निकल रहा था सीट के नीचे से, और उस पर्सन ने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को रुका कर देखा तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बैटरी होती है वहाँ पर से धुआं आ रहा था। और गाइज वैसा भी नहीं है कि बहुत धूप थी वगैरह वगैरह, बट गाइज ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ओकिनावा के, मतलब यार ऑलरेडी यहाँ पर जो है 3-4 इलेक्ट्रिक स्कूटर में, मतलब ओकिनावा के जो है ऑलरेडी फायर लग रहे हैं। एंड ये सुबह के यहाँ पर मॉर्निंग में हो चुका है, तो कंपनी को यहाँ पर जो है जो बोल रही थी कि यार समरी की वजह से हो रहा है फायर, यहाँ पर जो है गर्मी के मौसम में हो रहा है, बट वैसा नहीं है गाइज। ये बैटरी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो भी ब्रांड जो है लो क्वालिटी की जो बैटरी यूज़ करते हैं, जो सेल्स होते हैं बैटरी में, उसकी वजह से यहाँ पर जो है प्रॉपरली वो BMS वगैरह होता है, थर्मल रनवे जो होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते, इसकी वजह से यहाँ पर जो है फायर लगता है। तो ओकिनावा ने यहाँ पर जो है मतलब यार हद कर दी, काफ़ी ब्रांड्स में यहाँ पर फायर लग रहे हैं, बट ये ओकिनावा जो है फिलहाल के लिए top 1 पर आ रही है फायर के एक्सीडेंट में। तो गाइज अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर या अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाइए गाइज, अभी यहाँ पर जो है इंडिया में टेस्टिंग आप यहाँ पर बोल सकते हो जो कि चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी है, क्योंकि अच्छे तरीके से वो प्रॉपरली टेस्टिंग वगैरह जो होती है वो होने के बाद किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में मतलब जो सेल्स होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होगे तो प्रॉब्लम नहीं आती। बट मेरे को तो लग रहा है कि ओकिनावा जो है प्राइस कटिंग के हिसाब से जो है बहुत ही लो क्वालिटी आप बोल सकते हैं। गाइज कंपनी ने यहाँ पर जो प्रॉपरली सभी काम जो सिस्टम जो होते हैं उस पर काम करना चाहिए, कैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग रही है उसके रीज़न वगैरह चेक करके उस पर काम करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगी तो इंडियन मार्केट में से ये कंपनी जो है 0 तक यहाँ पर जो है आ सकती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो गाइज घबराइए मत, आप मतलब जो अच्छे ब्रांड के साथ हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बट बीच बीच में जाकर जो डीलरशिप में वगैरह आप जो चेकअप वगैरह अच्छे से कर सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो हमारा बनाने का एक ही मकसद था कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो ओकिनावा जो है बहुत ही मतलब यार प्रॉपरली काम नहीं कर रही है अपने बैटरीज पर। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के न्यूज़ अपडेट्स रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तब तक के लिए गाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते रहिए, गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।